गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन का। और आज का ये मेरा वीडियो है ग्रेविटेशन का 13वां वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें ना स्टार्ट करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैंने आपको पढ़ना शुरू किया था फिजिक्स से, अब मैंने मैथ भी स्टार्ट कर दिया है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आते हुए मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का वीडियो जो है मेरा वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ने से पहले जो है मेरे को आपको सारी बात बतानी पड़ेगी जो कि सैटेलाइट से संबंधित है। ठीक है, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो जो है स्पेस साइंस का जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि स्पेस साइंस हमारी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही गहरी है। इसको जानने में कई सौ साल लग चुके हैं और अभी भी इसमें काम चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। जो है देश की और विदेशों की जो है तमाम संस्थाएं जो है इसके क्षेत्र में अपना अपना काम कर रही हैं। ठीक है, और हमारे यहां भी काम होता है। और हमारे यहां जो प्रतिष्ठित संस्था है वो है इसरो, जो कि स्पेस साइंस में अपना काम कर रही है। हमारे देश ने मंगलयान और चंद्रयान अभी थोड़ी दिनों पहले भेजे हैं। और क्या हुआ कि कुछ ही दिनों पहले जो है हमने जो है 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे स्पेस में। उसमें से काफी इंडियन थे और काफी दूसरे देशों के भी सैटेलाइट थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा पर्पज है वो है सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बारे में जानना, उसके ऑर्बिट के बारे में जानना, और जो है उसका यूज किस तरीके से हम ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने में कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग से जो है ह्यूमन लाइफ कैसे बेटर होगी। बच्चों, आप फोन यूज करते हो? फोन में कभी सोचा है कि फोन में आवाज कैसे आती है? कैसे आप फोटो भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, कहां से आती कहां से जाती, कभी सोचा है? उसमें भी सैटेलाइट का यूज है। आपके घर में टीवी है सबके घर में? ठीक है, आपके घर में टीवी है तो डीटीएच लगा हुआ है गीगा ऐसा है। ठीक है, टीवी देखते हो ना आप आराम से? ठीक है, उसमें भी सैटेलाइट्स का यूज है। ठीक है, एटीएम से आप पैसे निकालते हो? ठीक है, तो कभी एटीएम में जाना तो कभी बाहर निकल के एटीएम के ऊपर देखना तो वहां पर भी एक हमारा डिश एंटीना टाइप का लगा हुआ है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन है, तब जाकर के आपका एटीएम चलता है। और ना जाने कितने डिफेंस के इक्विपमेंट, ठीक है, डिफेंस के इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट जो है जो कि हमारे चल रहे हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, हमको पता नहीं लगता, हम यूज करना जानते हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है वो साइंस जो है वो सैटेलाइट के थ्रू और जो है अर्थ के थ्रू जुड़ी हुई है हमारी। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं बच्चों अर्थ के चारों ओर, तो वो जाकर के किसी ऑर्बिट में जाकर के रिवॉल्व करने लगता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो है ये क्या हुआ कि सपोज करिए ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है। अब अर्थ के चारों ओर सपोज करिए कि अर्थ से थोड़ा सा हम यहां जो है यहां पर कोई इस तरीके से सैटेलाइट जो है हम यहां पर इस तरीके से इस ऑर्बिट में हम लॉन्च कर देते हैं, या थोड़ा सा इससे दूर लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, या मान लीजिए और दूर कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। एक कोई सैटेलाइट है जो हमारा इस तरीके से जो है वो अपना रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जहां पर हमने छोड़ दिया वहां पर वो रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, और क्या होता है कि ये तो हमारी एक ऑर्बिट हो गई जो सपोज करिए इक्वेटर के पैरेलल है, लेकिन इसके अलावा भी हम जो है किसी भी एंगल पे किसी भी इसमें जो है ऑर्बिट अपने अपने हिसाब से चूज करके उसपे जो है अपनी सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो ऑर्बिट अलग अलग होती है इनका होता है नाम अलग अलग, इनका नाम अलग अलग होता है और इनका जो है फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है, फंक्शन भी अलग अलग होता है। अब इतनी तरीके की सैटेलाइट हैं और इनके इतने फंक्शन हैं वो तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ आज पढ़ना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी सारी बात बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो हमारे देश में जो है एक जो है अंतरिक्ष की जो संस्था है उसका नाम है इसरो, इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। और आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई आप में से इसरो में भी कभी ना कोई काम करेगा, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कौन कहां जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसरो ने अभी थोड़े दिन पहले देखिए क्या किया है, एक हमारे पास मिशन मंगल भेजा था, ठीक है, मिशन मंगल बहुत ही फेमस हुआ था, इस पे पिक्चर भी बनी, और जो भेजा था हमारा मंगलयान, ठीक है, मंगलयान भेजा था, ठीक है, और हमारे यहां थोड़े दिन पहले अभी हाल ही की बिल्कुल बात है, एक भेजा था चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान ये 90% सक्सेसफुल रहा, ये 100% सक्सेसफुल रहा, ठीक है। 90% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अर्थ चंद्रमा तक पहुंच तो गया था उसके जो है साउथ पोल पे, लेकिन जिस हिसाब से वहां लैंड करना था वहां पे वो लैंड नहीं कर पाया, तो उसका ऑब्जेक्ट हमारा जो था वो नहीं पूरा हुआ, लेकिन हम चंद्रमा तक पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि चंद्रमा धरती के सर्फ मतलब अर्थ के सरफेस से जो है 384,000 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब उसका ऑर्बिट जो है मून का वो अर्थ के सरफेस से 384,000 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। ये तो वही बात, ये आप सुनते रहते हो और अधिकतर जो है न्यूज पे आप नजर रखा करो, तो उससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। अब बच्चों जो है आपने दो चीज न्यूज में और सुनी होगी, पीएसएलवी और जीएसएलवी, मैं इंडियन स्पेस की ही बात कर रहा हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि नासा के बारे में बात करेंगे तो फिर उसके बारे में तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता, सही बात बता दूं तो क्या बात करूं मैं उसके बारे में, चलिए हो गया। तो पीएसएलवी का बच्चों होता है पोलर सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये होता है बच्चों हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ये जो है ये वाला जो हमारा लॉन्च व्हीकल है ये जो है पोलर ऑर्बिट में हमारा जो है सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, और ये वाला जो है हमारा ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाकर के हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, ये इसमें बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, नहीं पोलर सैटेलाइट कहां होता है और उसका जो है ऑर्बिट कहां पे होता है, ठीक है, उसका ऑर्बिट कहां पे होता है, फिर जियो स्टेशनरी पे आएंगे। बच्चों देखिए ये हमारी है अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, बढ़िया सी बना देता हूं, गोल गोल बना देता हूं, ठीक है, ये हो गई हमारी देखिए अर्थ इस तरीके से, और ये अर्थ का क्या है नॉर्थ पोल है, और ये अर्थ का है साउथ पोल इस तरीके से, ठीक है, अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। और बच्चों देखिए एक जो है हमारी ऑर्बिट है इस तरीके से, ठीक है, एक ऑर्बिट हमारी इस तरीके से है जो बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से निकलती है इस तरीके से, ठीक है, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट, इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, और पीएसएलवी के थ्रू जो भी जो है हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो इसी ऑर्बिट में जाकर के चली जाती है, क्योंकि ये पोल के ऊपर है इसलिए इसको पोलर बोलते हैं। यहां पर खूब ढेर सारी ऑर्बिट है, जैसे यहां से ज्यादा दूर कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और दूर कर दिया इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से जितनी ऑर्बिट चाहे हम अपने चॉइस के हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, ये यहां पे घूमने वाला सैटेलाइट जो है पूरे अर्थ पे नजर रखता है, पूरे के पूरे अर्थ पे नजर रखता है। और क्या होता है देखिए सैटेलाइट तो हमारा ऐसे रिवॉल्व कर रहा है लेकिन अर्थ स्पिन कर रहा है, तो क्या होता है कि इसकी रेंज में पूरा का पूरा अर्थ आता है, ठीक है, और अधिकतर स्पाई सैटेलाइट जो है हमारी इसी ऑर्बिट में हमारी रिवॉल्व करती है। तो ये हो गया बच्चों पोलर सैटेलाइट, ठीक है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बात करनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था, ठीक है। अब चलिए आइए बात करते हैं कि ये हमारी देखिए फिर से अर्थ हो गई है और ये हुआ अर्थ का इक्वेटर, ठीक है, ये हुआ अर्थ का इक्वेटर। अब मैं इसको दूसरे हिसाब से बनाता हूं और देखिएगा कि क्या इसमें से निकल के आता है, ठीक है, क्या इसमें से निकल के आता है।
ठीक है। ये देखिए हो गया अर्थ हमारी, मैं छोटी अर्थ बना रहा हूं यहां पे इस बार, ये हो गई छोटी अर्थ। अब देखिए इसके जो है काफी करीब हमने इक्वेटर के पैरेलल एक हमने यहां पर ऑर्बिट बना दिया इस तरीके से, ठीक। और एक जो है थोड़ा सा और यहां पर बना दिया इसके यहां पे इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट जा रहा है हमारा, ये हो गया। और एक हमने जो है यहां पर इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये देखिए तीन ऑर्बिट हमने बनाए हैं, ठीक। पहले वाले का नाम है लियो, दूसरे वाले का नाम है मियो, और तीसरे वाले का नाम है जियो, ठीक है। लियो मियो जियो, ये तीन हमारे पास ऑर्बिट है। अब इनका क्या नाम होता है इसको आप देख लीजिए, ये मैं आपके लिख के बता रहा हूं। देखिए क्या है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट इसको हम बोलते हैं लियो, एल ई ओ, ये हो गया लियो। दूसरा होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और इसको हम बोलते हैं मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और बच्चों तीसरा होता है और उसी को हमको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है ये, ये है हमारा जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और इसको हम बोलते हैं अगर यहां से उठाए जियो, ठीक है। तो इस तरीके से तीन ऑर्बिट हो गए हमारे पास, लियो मियो जियो, ठीक। इस तरीके से आप देख लीजिए। अब देखिए लियो की क्या खासियत होती है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्या होता है कि अर्थ के काफी क्लोज जो ऑर्बिट है उसको हम लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और जो है अधिकतर जो है हमारी सैटेलाइट वो इसी ऑर्बिट में हमारी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अभी यहां से ज्यादा दूर हम आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक। तो बच्चों देखिए यहां पर जो रेंज होता है वो होता है हमारा अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की रेंज को हम जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और देखिए मिडिल अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, इसका जो है अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस होता है वो 2000 किलोमीटर से लेकर के 36,000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। यहां तक इसकी रेंज है मिडिल अर्थ ऑर्बिट की, लेकिन अधिकतर जो हमारी सैटेलाइट इसमें है वो 20,000 किलोमीटर की रेंज पे हमारी जो है रिवॉल्व कर रही है, ठीक। और यहां पे इसके बाद आता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और इसका जो है लगभग जो है 36,000 यानी 36,000 किलोमीटर का ऑर्बिट होता है, इसकी रेंज नहीं है, ठीक है, इसकी रेंज नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या हुआ, यहां पर जो है हमारी जो सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रही है, वो सैटेलाइट हमारी जो है उसका जो एक चक्कर अर्थ का लगाने का जो टाइम होता है वो लगभग होता है, ठीक है, 1.4 आवर से लेकर के 2 आवर तक। मोटा मोटा अगर हम 2 आवर मान के चले तो 24 घंटे में लियो ऑर्बिट में हमारी जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है वो 12 चक्कर अर्थ के लगा लेती है। वो क्या करती है, 12 चक्कर अर्थ के लगा लेती है, ठीक है। इस रेंज में जो हमारी सैटेलाइट घूम रही है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो नियर अबाउट 12 आवर होता है, यानी 24 घंटे में जो है वो हमारी जो है सैटेलाइट जो है 2 चक्कर लगा लेती है हमारे अर्थ के, ठीक है, अर्थ के 2 चक्कर लगा लेती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जिसकी डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। कुछ किताबों में इसको लिखा है 35,750 और कुछ किताबों में जो है लिखा है 35,950। एग्जैक्ट फिगर क्या है वो नहीं पता, इसको राउंड ऑफ में 36,000 लेकर के चलते हैं, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका टाइम पीरियड जो कि होता है 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक।
ये हमारा जो है इसकी खासियत होती है। बच्चों देखिए क्या होता है कि ये दो घंटे में हमारा अर्थ का एक चक्कर लगा रही है, यानी 24 घंटे में 12 चक्कर लगा लेती है, और ये 12 घंटे में जो है एक चक्कर लगा रही है, यानी 24 घंटे में दो चक्कर लगाती है, और ये हमारी 24 घंटे में जो है एक चक्कर अर्थ का लगाती है, लेकिन ये हमको रुकी हुई दिखाई देती है। अब देखिए कैसे, और यही इसका सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंस है, और यही सबसे ज्यादा यूजफुल ऑर्बिट है हमारा, सबसे ज्यादा यूजफुल ऑर्बिट हमारा यही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ यहां पर। जैसे कि सपोज करिए कि हमारे सामने इस तरीके से एक सैटेलाइट लॉन्च है, ठीक है, और अर्थ हमारी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो अर्थ के साथ हम भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, और हमारे सामने एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट भी जो है अर्थ की स्पीड से घूम रही है, यानी कि क्या हुआ हमारा कि जो है सैटेलाइट की स्पीड, एंगुलर स्पीड, और अर्थ की एंगुलर स्पीड हमारी बिल्कुल बराबर हो गई है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो तो हमको जाता हुआ दिखाई दे, आता हुआ दिखाई दे, या अर्थ ज्यादा तेजी से घूमे और तो वो निकलता हुआ दिखाई दे, इस टाइप का दिखाई दे। रिलेटिव वेलोसिटी जो है तभी हमको फील होगी जब हमारा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारी कम ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जिस स्पीड से अर्थ का रोटेशन हो रहा है उसी स्पीड से जो है सैटेलाइट का रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ की और सैटेलाइट की हो गई जीरो। अब यदि कोई भी इंसान उस सैटेलाइट को यहां से देखेगा तो वो उसको रुका हुआ दिखाई देगा, उसको कभी नहीं दिखाई देगा कि चल रहा है, ठीक है, हमको कभी फील नहीं होगा कि वो चल रहा है, हमको रुका हुआ दिखाई देगा। वो हमको क्या दिखाई देगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है, रुका हुआ दिखाई देगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे घूमे तो इधर आ गया, हम ऐसे घूमे तो इधर आ गया, हम ऐसे घूमे फिर इधर आ गया, हम ऐसे घूमे तो इधर आ गया, इस तरीके से जो है जैसे जैसे अर्थ घूम रही वैसे वैसे सैटेलाइट घूम रही है, तो क्या हुआ कि उसका फोकस जो है सैटेलाइट का एक ही जगह बना रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से घूमता रहा। तो इस तरीके से जब वो घूमता रहा तो क्या हुआ कि यहां से जो सिग्नल भेज रहा है या रिसीव कर रहा है, दोनों काम करता है, ठीक है, सिर्फ भेजता नहीं, सैटेलाइट जो है पहले सिग्नल रिसीव करता है और फिर उसको भेजता है। तो क्या हुआ, सिग्नल जो रिसीव कर रहा है जो है अर्थ से और फिर उसको अर्थ पे ज्यादा एक्सप्लोर करके भेज रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसका एग्जांपल देखिए सबसे अच्छा क्या है कि हमारे घर में क्या है, डीटीएच लगा हुआ है। डीटीएच जो होता है ना, देखिए इस तरीके का डिश होता है जो हमारी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ एलिमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, वो क्या करता है कि जो है डायरेक्ट सैटेलाइट से हमारा सिग्नल कैच करता है और हमारी टीवी चलती है। अब हम इसको घुमाते थोड़ी है, ये क्या हुआ कि एक डायरेक्शन में हमारा ऐसा लग गया और वहां से वो सिग्नल डायरेक्ट रिसीव कर रहा है जितनी आ रही है, ठीक, तो वो हमारा जो है सिग्नल आता रहता है, हम टीवी देखते रहते हैं, और यदि कभी मौसम का डिस्टरबेंस हो जाता है तो हमारी टीवी बंद हो जाती है, ये भी आपका एक्सपीरियंस है। एटीएम के ऊपर भी हमारा जो है इसी टाइप की एक जो है डिश एंटीना लगा होता है, देख लीजिएगा आप कभी जाकर के, वो भी जो है हमारा सैटेलाइट से जो है सिग्नल रिसीव करता है, और डिफेंस के सेक्टर में तो ना जाने कितना जो है काम सैटेलाइट का होता है। तो वो हमारा जो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ही कारण होता है, और इसी में जो है अधिकतर जो है यूजफुल जो है हमारी जो है सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में लॉन्च की गई है, इसी ऑर्बिट में हमारी लॉन्च की गई है, क्योंकि इस ऑर्बिट में घूमने वाला जो सैटेलाइट होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई देता है, इसलिए इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और बच्चों जो है इसकी जो हमारी क्या होती है, धरती के सरफेस से यानी अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, और जो टाइम पीरियड इसका रिवॉल्यूशन का होता है वो 24 घंटे होता है, ठीक है, वो हमारा 24 घंटे होता है। अब बच्चों देखिए हमको एक चीज पता है, 24 घंटे टाइम पीरियड, ठीक है, 24 घंटे टाइम पीरियड हमको पता है, ये तो हम मीजर कर सकते हैं आराम से, लेकिन 36,000 किलोमीटर हम मीजर करने गए नहीं। तो अब आपको हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो जो है हमारी होती है 36,000 किलोमीटर ऊपर की ओर, 36,000 किलोमीटर जो होती है अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर हमारी होती है,
ठीक है बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा पुरानी बातों को याद करेंगे। इसमें था एक था ऑर्बिटल वेलोसिटी और दूसरा था हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये दोनों ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसी का मैं यूज करने जा रहा हूं और उससे जो है निकलेगा हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों ये देखिए ये हमारी हो गई इस तरीके से अर्थ, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेंज। ये इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये हमारे पास इस तरीके से ऑर्बिट हो गया, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये हमारे पास ऑर्बिट इस तरीके से। अब जो है ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हम इसको अर्थ के सेंटर से सपोज कर लेते हैं, अर्थ के सेंटर से जो है हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कितनी डिस्टेंस पे है, आर, स्मॉल आर है, ठीक, स्मॉल आर है, और हम इसको यहां पे मान के चलें कि ये एच है और ये आर है, तो हमारा जो स्मॉल आर हो जाएगा वो हो जाएगा आर प्लस एच, जहां पर कैपिटल आर है हमारा 6400 किलोमीटर। इस तरीके से ये हमारे पास इसकी रेंज है। अब बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास है एम और अर्थ का मास है कैपिटल एम, ये इसकी अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। अब देखिए यहां पे फोर्स कौन कौन सी लगेगी, इसके बीच में एक हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिसको बोलेंगे हम जी, सॉरी जिसको हम बोलेंगे एफ, और उसकी वैल्यू होगी हमारी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से होगी, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन पे है तो इसके तरफ जो है एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा काम कर रहा होगा, तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स जो जिससे मिलेगा वो यही फोर्स होगा, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर, इस तरीके से होगा बच्चों, यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। देखिए एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, तो कुल मिलाकर के क्या आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी हमारा हो गया जी एम बटे आर का अंडर रूट, और बच्चों इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने याद दिलाने के लिए एक बार फिर से हमने यहां पे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्बिट जो है ये हमारा सैटेलाइट जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है उसकी जो वेलोसिटी हुई वीओ, और उसकी वैल्यू आ गई हमारी जी एम अपॉन आर का अंडर रूट, इसको आप नोट, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, और हमको निकालना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो है हाइट कितनी होती अर्थ के सरफेस से, ये हमको निकालनी है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, यहां पर हमको एक चीज यहां पर गिवन है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या है टाइम पीरियड है, वो है 24 आवर्स, ये हमको पता है। अब हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है, अब हम इसी का यूज करेंगे। तो बच्चों टाइम पीरियड जो हमने निकाला था वो कुछ इस तरीके से था, टी इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई वीओ, अगर आपको याद हो, ठीक है, r हमारा ये था, देखिए कितना डिस्टेंस हुआ इस तरीके से, मतलब कुल मिलाकर के इसमें जो हमने फार्मूला लगाया बड़ा फेमस फार्मूला है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा। तो देखिए डिस्टेंस हमारा ये सैटेलाइट कितना करेगा, इतना करेगा 2πr, और स्पीड हमारी वो है, हम इसको उठा के इसमें रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ, 2πr डिवाइडेड बाई जी एम बटे आर का अंडर रूट, और ये आ गया टी इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2πr³/2 डिवाइडेड बाई जी एम का अंडर रूट, अब ये आ गया हमारा टी, ठीक है। हमको टी गिवन है, टी कितना है, वो है 24 आवर्स,
यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो टाइम हो गया वो हो गया 24 × 60 × 60 सेकंड, इतना हो गया हमारे पास टाइम। ठीक है, अब हमारा जी एम की वैल्यू भी हमें पता है, जी की वैल्यू पता है, एम मान लीजिए नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, इसी वाला काम करते हैं बच्चों, ये काम करते हैं कि हमने पढ़ रखा है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है यहां पे। अब हम क्या करेंगे कि हम यहां से जीएम की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगी हमारी जी आर स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हम यहां रख देंगे बच्चों, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 पाई आर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा जी आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, जी आर स्क्वायर का अंडर रूट ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, आर बाहर निकल जाएगा, जी अंदर चला जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास नोन है 6400 किलोमीटर, ये हमारी आर की वैल्यू है, जी की वैल्यू 9.8 हमको पता है, यानी कि ये हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर जब हम वैल्यूज रखेंगे तो कुछ इस तरीके की हमारे पास फिगर्स आएंगी, उसको देख लीजिए, ये हमारा क्या होगा, आर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 24 × 60 × 60 × ZR² यानी कि G हो गया हमारे पास इस तरीके से ZR² का अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2π, इस तरीके से ये हमारा होगा। ठीक है, अगर हम इसकी जो है वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24 × 60 × 60 × 9.8 × 64, ठीक है, 6.4 ऐसे कर लें, 6.4 × 10⁶ का स्क्वायर का अंडर रूट अगर हम ऐसे कर ले तो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × π यानी 3.14, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास निकलेगी स्मॉल आर की वैल्यू, वह निकलेगी स्मॉल आर की वैल्यू, और बच्चों वो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारी जो आती लगभग लगभग 42,000 किलोमीटर, यानी कि आर की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 42,400 किलोमीटर के लगभग आती है। ठीक है, इतनी आती है, जब इसको सॉल्व करेंगे, काफी लंबा कैलकुलेशन है, इसमें 3/2 भी लिखा है, हमको अंडर रूट भी करना पड़ेगा, क्यू रूट भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तमाम चीज करनी पड़ेगी इसमें, वो इतनी आएगी। अब देखिए बच्चों आर हमारा क्या है, आर प्लस एच है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे आर प्लस एच बराबर 42,400 किलोमीटर, बच्चों जो आर हमारा है वो हमारा है 6400 किलोमीटर, ये हो गया एच, और ये आएगा 42,400 किलोमीटर, तो एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप याद रखिए, सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमारा अर्थ के सरफेस से जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, और यदि पूछ ले कि अर्थ के सेंटर से कितनी दूर होती है तो वो 42,400 के करीब होता है। अब मान लीजिए कई तरीके की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए कहीं दे दिया 50,000 किलोमीटर होता है, कि 3600 किलोमीटर होता है, कि 35,000 किलोमीटर होता है, तो हम देखेंगे कि 36,000 के करीब कौन सा है, उसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। ठीक है, 36,000 के जो हमारे करीब होगा हम उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे, वही हमारा होगी बात। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या होता है हमारा, यहां पर हमको एक बात यहां से ये पता लग गई कि जो है हमारा जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जिसका जो है टाइम पीरियड 24 घंटे है, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 24 घंटे है, और वो हमें अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी फील होता है, इसलिए उसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। अब बच्चों देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें पूरे डिस्कशन में निकल के आई, वो क्या निकल के आई, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस के जितने करीब कोई सैटेलाइट मूव करेगी उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। वो कैसे, वो देखिए जैसे वीओ यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी ना, देखिए जी एम बाई आर इस तरीके से है। देखिए आर जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, आर जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। इस बात को फील करिए आप, आर जितना छोटा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, आर जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। अब देखिए एग्जांपल, लियो का जो है, जो हमारा लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो हमारी आर है वो लगभग 200 किलोमीटर की रेंज की है। तो देखिए इसका जो वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, नियर अबाउट होती है, समझ लीजिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन देखिए टाइम इसमें कम लगता है, 1.5 आवर के लगभग लगता है, ठीक है। अब देखिए मियो में क्या हो रहा है, मियो में जो है वो हमारा 2000 किलोमीटर के ऊपर यानी 20,000 किलोमीटर के लगभग, मैंने अभी आपको बताया था, वहां पे जा रहा है। तो इसका टाइम देखिए हमारा ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लगने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी हमारी जो है वो होगी लेस, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जियो में क्या हो रहा है बच्चों, जियो का जो है वो है 36,000 किलोमीटर की रेंज पे ऊपर हमारा जा रहा है, तो इसका टाइम हमारा और ज्यादा लग रहा है और इसकी जो वेलोसिटी और कम होगी। और हमने ना तो लियो मियो जियो किसी भी ऑर्बिट को हमने ना तो देखा है ना उसकी उसमें घूमने वाले किसी सैटेलाइट को हमने कभी फील किया है, लेकिन एक सैटेलाइट है जिसको हम फील करते हैं और देखते भी हैं, और वो सैटेलाइट है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, उसका नाम है मून। हमारी बहुत सी धार्मिक आस्थाएं भी मून के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो देखिए वो हमसे कितनी दूर है, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, मून हमारा जो है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, और वो हमसे कितनी दूर है कोई बता सकता है? अब वही बात आ गई, आप ऑनलाइन हो वरना मैं पूछता, चलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए मून जो है हमसे, मून है हमसे 384,000 किलोमीटर दूर, अर्थ के सरफेस से इतना दूर है मून, ठीक है, इतना दूर है। और हम अभी यहां 2000 और 36,000 किलोमीटर की बात कर रहे थे, सोचिए मून कितना दूर है, ठीक है, मून कितना दूर है, और हमारा चंद्रयान वहां तक गया था, ठीक है, हम उसका हमने उसको वहां लैंड करा दिया था, लैंड सक्सेसफुली नहीं हुआ ये एक अलग मैटर है, तो हम इतनी दूर तक वहां पे चले गए थे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, ठीक है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, फिर से जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि 384,000 किलोमीटर दूर यानी कि आर की ये वैल्यू है, तो आर जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी हमारी क्या होगी, कम होगी या कहें लेस होगी, ठीक है, ठीक, वेलोसिटी उतनी कम होगी और क्या होगा, टाइम उतना ज्यादा लगेगा यानी मोर होगा। यही बात तो मैंने ऊपर आपको समझाई है, ठीक है। अब वेलोसिटी मून की कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन जो टाइम जो है ज्यादा लगता है यानी जो है मून जो है अर्थ का एक रिवोल्यूशन करता है 27 दिन में, ठीक है, 27 दिन में करता है, इतना ज्यादा टाइम लगता है। ये देखिए 2 घंटे में कर लेता है, 1.5 घंटे में कर लेता है, और ये करता 27 दिन में। ये बच्चों ये बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला इस पूरे डिस्कशन में, और इस पे जो है असर्शन रीजन के क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, नीट के एग्जाम में भी, आईआईटी के एग्जाम में भी। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3-4 उन्होंने दे दिया सैटेलाइट कि किसका टाइम ज्यादा होगा, किसकी वेलोसिटी कम होगी, इस टाइप से मैच करने के लिए या ग्रेटर देन और लेस देन के फॉर्म में दे दिया, तो इससे आपका ये यहां पे निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, ज्यादा इसके सवाल वगैरह तो आते नहीं है, बस इसका कंसेप्ट था, ठीक, कंसेप्ट बताने वाला था, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, और आपसे जो है सिलेबस में इतना है, लेकिन किसी भी ऑर्बिट का टाइम पीरियड या वेलोसिटी पूछी जा सकती है। मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी होगी तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब ऑर्बिट के टाइम पीरियड या वेलोसिटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको सक्सेसफुली कर लोगे। बच्चों यही आज के वीडियो का जो है पूरा जो है कंक्लूजन था, और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है।
अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के कंसेप्ट के साथ, और वो जो है लास्ट वीडियो होगा ग्रेविटेशन के चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।